नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में ऐसे एक सांप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक होने के बाद इससे मृत्यु होता है, और ऐसा कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुआ। और हमारा पास एक ऐसे एक फ़ोन आया जो एक महिला का मृत्यु हो गया इस सांप काटने से, जो कि ये सांप हम हर वीडियो में कहते हैं कि पूरी तरह नॉन वेनोमस है, निर्विष है, बिना जहरीला सांप है, फिर इस सांप से मृत्यु क्यों हुआ। तो दोस्तों इस सांप के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, और आप सभी को इस वीडियो को जानना जरूरी है, क्योंकि ये सांप आपके घर में इसी समय में इसी महीना में ये सांप सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और ये सांप को देख के ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये सांप को देख के डरता नहीं है, क्योंकि ये सांप जो है देख के ही लगता है कि पूरी तरह साइलेंट किलर, मतलब भी आपका कॉमन करे। तो दोस्तों इसके बारे में बताएंगे कॉमन करे, और ये बैरेड रूप में जिस सांप को हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों ये छोटा सा एक सांप है जिसको हम लोग अभी जंगल में रिलीज करने के लिए आए हैं। और ये सांप आप देख रहे हैं, इसका बॉडी का ऊपर में येलो स्पॉट है, हल्का येलो स्पॉट है, और इसका बॉडी जो है पूरी तरह ब्लैक होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा डार्क कलर का है, ग्रे कलर का है, क्योंकि इसका स्केल जो है ये निकलने वाला है, और स्केल त्याग करेगा तब जाके इसका नया स्केल, फिर ये पूरी तरह डार्क ब्लैक नज़र आने लगेगा। और ये सांप देख रहे हैं कि आपका कॉमन क्रेट इसका जो रिंग होता है ये आपका डबल रिंग होता हुआ है, ये देख रहे हैं। और इसका जीभ जो है निकलता जो लपलपा रहा देख रहे हैं, ये पिंक है, लेकिन इसका मुंह खुलता है तो पूरी तरह पिंक नहीं होता, जैसे कॉमन क्रेट का पूरी तरह पिंक होता है। और ये सांप को आप जैसे ही देखते हैं सोचते हैं ये कॉमन क्रेट, इंडियन कॉमन क्रेट, लेकिन ये सांप बैरेड वुल्फ स्नेक है। दोस्तों भारत में वुल्फ स्नेक लगभग 7 स्पेसिस का पाया जाता है, लगभग 7 टाइप का इसका स्पेसिस है, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट में, ईस्ट एशिया में लगभग ये 18 स्पेसिस का पाया जाता है। पूरे विश्व में ये लगभग 200 से ऊपर स्पेसिस है, लेकिन भारत में जो इसका स्पेसिस है इसमें 7 स्पेसिस में से जो मेन है, जो इंडियन कॉमन क्रेट का साथ सिमिलरिटी है, उसका नाम है बैरेड वुल्फ स्नेक। दोस्तों देख रहे हैं ये सांप किस तरह हमें बाइट नहीं कर रहा, और ये पूरी तरह निर्विष होता है, और ये 5 से 7 अंडा इसी समय मार्च में महीना में ही अंडा देता है। और ये सांप बहुत समय ऐसा होता है कि अंडा देते समय इसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि इसका अंडा इसका बॉडी के हिसाब से ज़्यादा बड़ा होता है और कैप्सूल की तरह लंबा होता है इसका अंडा। और इसके जो सांप है ये देखिए, ज़्यादातर आदमी रात को जैसे नज़र आता है तो इसको सोच लेते हैं कि कॉमन करें जो बहुत जहरीला होता है, और काटने के बाद इसके बारे में पूरा अंधविश्वास है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में सोचते हैं कि ये सांप जहरीला है, और तुरंत हृदय घात से मृत्यु हो जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा बाइट कर ले तो इसको डरे नहीं, और ये सांप ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है तो एक हाथ से ही छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं, और कॉमन करे बड़ा होता है। तो दोस्तों आप सभी को एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये सांप कभी भी आपको बाइट कर ले तो पैनिक ना कराएं। ज़्यादातर होता क्या है, ये सांप बाइट करने के बाद आसपास में सभी पैनिक कराते हैं, डरा देते हैं, उनको इतना ज़्यादा हदस हो जाता है, इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन बढ़ता है कि उनको हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ता में ही हृदय घात हो जाता है। दोस्तों ये सांप देख रहे हैं, इसको आप हम लोग आप रिलीज़ करेंगे ताकि ये जंगल में पुनर्वास के लिए फिर जीवित रहे। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध है कि सांप कभी भी आपके आसपास किसी को पड़ोस में किसी को काट ले तो तुरंत उसको पैनिक ना करें, डराए नहीं, और उसको हिम्मत दें, और कहीं कोई डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं। और वो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डर गए होंगे तो उनको क्या करें कि कम से कम एक इंजेक्शन दे दें, ताकि वो मन में तसल्ली ये करें, पॉजिटिव उनको एनर्जी मिले, थिंकिंग मिले कि हमको इंजेक्शन मिल गया, अब तो हमको कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो ये कम से कम देखिए दोस्तों ये कभी बाइट करने का कोशिश करता है, जब हम लोग इसको तंग करते हैं या कोई देखता है तो किस तरह ये देखिए इस तरह ये करता है, और ये ऊंट की तरह ये बाइट इस तरह मुंह उठा लेता है, और ये देखिए बाइट करता है, और देखिए पूंछ को इस तरह कंटिन्यू ये हिलाते रहेगा, और ये देखिए इसीलिए इसको वुल्फ स्नेक कहता है। और इसका आगे में 2 दांत ऐसे होता है, देखिए किस तरह,
देखिए दोस्तों कैसे आप, दोस्तों जो हम लोग तंग नहीं करेंगे अब इसको, हम लोग जाने देंगे। देखिए पूंछ किस तरह हिला रहा, जिस तरह रेटल्स ने आपका पूंछ हिलाता है, देखिए ये भी अपना पूंछ हिला रहा किस तरह। देखिए देखिए इस तरह कभी कभी कुंडली इस तरह मार देता, देखिए पूंछ किस तरह हिला रहा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अगले बार अगर ये सांप आपको नजर आ जाए या किसी को बाइट कर ले तो डरे नहीं, एकदम बिल्कुल ही डरे नहीं, आप हिम्मत से काम लें और ये सांप काटने के बाद जो है आप किसी को पैनिक न कराएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।